हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कामत मेरे चैनल कामत वेज एंड नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अमेरिकन चॉपसी। ये बहुत ही टेस्टी रहता है फ्रेंड्स, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप तीखा कम बना के डाल के बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत सारे वेजिटेबल से बनता है। ये नूडल्स में नहीं, इसका इंग्रेडिएंट्स नूडल्स है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए बताती हूँ। अमेरिकन चॉपसी, ये देखिए, ये बॉयल्ड नूडल्स है। ये मैंने थोड़ा सा नमक के पानी में नूडल्स बॉयल करके रखा है। ये देखिए नूडल्स, ये मैगी नूडल्स नहीं है, आपको मार्केट में मिल जाएगा नूडल्स, हक्का नूडल्स जो बोलते हैं वो, ऐसे वाला लंबा लंबा। ये मैंने नमक के पानी में बॉयल करके रखा है। ये देखिए ऐसे ऐसे रहता है नूडल्स। ये मैंने एक दो नूडल्स का दो नूडल्स डाला है, आप ज़्यादा कम ले सकते हैं, कितना भी आपको चाहिए। और इसके लिए कैबेज चाहिए, कैबेज ऐसे लंबा लंबा कट किया हुआ एक बाउल। ये देखिए आप कितना वेजिटेबल्स डालोगे उतना अच्छा लगता है। ये है कैप्सिकम पीसेस, कैप्सिकम लंबा लंबा कट किया हुआ, देखिए ऐसे बारीक लंबा लंबा कट किया हुआ कैप्सिकम पीसेस। और इसमें ग्रीन और रेड और येलो कैप्सिकम, बेल पेपर्स जो बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं लंबा लंबा कट किया हुआ। और कैरेट भी ले सकते हैं, कैरेट यहाँ मैंने नहीं लिया है, कैरेट भी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कैरेट बीन्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑनियन रिंग्स लिया है, ऐसे लंबा लंबा कट किया हुआ ऑनियन रिंग्स, ये देखिए। फिर इसके लिए थोड़ा सा ग्रीन चिली पीसेस, ऐसे बारीक कट किया हुआ, तीखा कम चाहिए तो कम डालिए। ये मैंने यहाँ 8 से 10 ग्रीन चिलीज बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज लिया है। ये है ऑनियन पीसेस, एक छोटा सा ऑनियन ऐसे लंबा लंबा कट किया हुआ लिया है मैंने, एक छोटा सा ऑनियन पीसेस। आप कैरेट भी ले सकते हैं, बेल पेपर्स रेड और येलो भी ले सकते हैं। यह है सोया सॉस, मैंने 3 टीस्पून सोया सॉस लिया है। यह है कॉर्न स्लरी, कॉर्न फ्लोर जो बोलते हैं, कॉर्न फ्लोर को मैंने पानी में घोल लिया है। ये 3 to 4 टीस्पून कॉर्न फ्लोर लिया है, उसमें डबल पानी डाल के ऐसे मिक्स करके रखना है। यह है कोरिएंडर का जो, ये कोरिएंडर जो रहता है, कोरिएंडर लीव्स नहीं लिया मैंने है, मैंने इसका डंडी जो बोलते हैं वो लिया है बारीक कट किया हुआ। इसके बदले आप सेलरी भी ले सकते हैं, सेलरी मैंने कोरिएंडर का डंडी जो बोलते हैं वो लिया है मैंने बारीक कट किया हुआ थोड़ा सा, ये डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये टोमेटो सॉस मैंने लिया है, ये 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। आप टोमेटो केचप चाहिए तो टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ टोमेटो सॉस लिया है। ये है रेड चिली फ्लेक्स जो बोलते हैं वो लिया है मैंने, 2 to 3 टीस्पून लिया है, ये आप ज़्यादा कम ले सकते हैं। ये है पेपर पाउडर, ये देखिए ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने 1 to 2 टीस्पून, आप वाइट पेपर पाउडर भी ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। इसको आपने जो हमने बॉईल करके रखा था नूडल्स पानी में, ये देखिए ये फुल बॉईल कर लेना है आपको, कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसे आपको ऐसे तेल में डायरेक्ट डाल के थोड़ा थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लेना है। मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, ये गरम हो गया है तेल। अभी इसमें आपको नूडल्स डालना है जो हमने बॉईल करके रखा था, वो नूडल्स इसमें डालना है, ऐसे डालना है और इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है, हाई फ्लेम में इसे डीप फ्राई करना है। फ्रेंड्स
अभी हिलाना नहीं है आपको, नीचे क्रिस्पी होगा तब इसको उल्टा करके डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे दोनों साइड मैंने फ्राई कर लिया है नूडल्स। ये देखिए ऐसे कुरकुर होना चाहिए, इतना होने के बाद आपको निकाल लेना है। ऐसे ही सब करके रखिए, फिर आपको सॉस बनाना दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल मिक्स करके लिया है। ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है तो सनफ्लावर ऑयल ले लीजिए। इसमें आपको ये देखिए जिंजर पीसेस और गार्लिक पीसेस डालना है। ये मैं बोलना भूल गई थी, जिंजर पीसेस और गार्लिक पीसेस थोड़े थोड़ा थोड़ा लेना है। ये फर्स्ट इसमें तेल में डालना है। इसके बाद ग्रीन चिली जो हमने लिया था, चॉप्ड ग्रीन चिली, वो डालना है। वो थोड़ा सा फ्राई होते ही ऑनियन पीसेस हाई फ्लेम में ही करना है आपको। और इसमें वेजिटेबल्स क्रंची ही रहना चाहिए, ज़्यादा सॉगी मत कीजिए। फिर इसमें कैप्सिकम पीसेस, प्रॉपर कैप्सिकम पीसेस, इसमें आप कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। कैरेट, बेल पेपर्स, येलो और रेड बेल पेपर्स लंबा करके यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फिर इसमें कैबेज, ये सब फ्राई कर लेना है आपको। ये हाई फ्लेम में ही फ्राई कर लीजिए। ये देखिए सा नमक थोड़ा डालिए, क्योंकि सॉस में ये नमक रहता है। ये थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ये देखिए ऐसे हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है आपको। फिर इसमें चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स जो हमने लिया था वो डालना है आपको। फिर पेपर पाउडर, ये वाइट पेपर पाउडर भी आप ले सकते हैं, ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है इधर। ये थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए ये सॉस बना रहे हैं हम अमेरिकन चॉपसी के लिए सॉस। फिर इसमें ऑनियन रिंग्स, ऑनियन रिंग्स डाल के फ्राई कर लीजिए। ये थोड़ा सा फ्राई होते ही इसमें जो हमने कोरिएंडर स्टिक्स लिया था चॉप्ड, वो डालना है आपको थोड़ा सा। फिर बाद में फिर से डालना है, ये थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें सोया सॉस, टोमेटो केचप, नहीं तो टोमेटो सॉस हम कभी डाल सकते हैं आप। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये थोड़ा सॉसी सॉसी रहना चाहिए, जैसे आप सूप करते हैं वैसे ही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इसमें। देखिए
होना चाहिए था, थोड़ा पानी डाल दीजिए। इसमें नमक टीका एक बार देख लीजिए टेस्ट कैसे है। फिर ऐसे देखिए एक उबाल आते ही इसमें आपको कॉर्नफ्लोर स्लरी जो हमने बना के रखा था, कॉर्नफ्लोर स्लरी ये देखिए कॉर्नफ्लोर स्लरी, ये थोड़ा थोड़ा एक दो से तीन स्पून ऐड कीजिए इसमें। ये थोड़ा सा सॉसी टाइप हो जाएगा, ज़्यादा भी ऐड मत कीजिए। इसमें एक उबाल आने दीजिए, फिर इसमें कोरिएंडर, ये देखिए कोरिएंडर डंडी का जो हमने लिया था पार्ट वो डालना है आपको। ये हमारा सॉस रेडी हो गया है, अभी जो हमने तल के रखा था नूडल्स उसके ऊपर डालना है। आपको दिखाती हूँ कैसे। फ्रेंड्स देखिए जो हमने तल के रखा था नूडल्स, देखिए ऐसे इसके ऊपर आपको सॉस डालना है। ये देखिए ये वेजिटेबल्स इस पर डाल लीजिए ऐसे, फिर सॉस ऐसे ऊपर से ऐसे डाल लीजिए। ये देखिए इसके ऊपर ऑनियन रिंग्स जो हमने चॉप करके रखा था वो आप ऐसे डाल के सर्व कर सकते हैं। फिर कोरिएंडर डंडी का जो भाग रहता है वो ऐसे ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा अमेरिकन चॉपसी रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामस वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।